हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि जानते हैं कि हमारा यूट्यूब चैनल आरबी प्रसाद आप सभी को फिजिक्स, मैथ एवं साइंस से संबंधित फैक्ट्स को लेकर के आता है, तो यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा दिए गए हर वीडियो क्लिप का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। दोस्तों, इन दिनों हम फिजिक्स से संबंधित यूपी बोर्ड में पूछे गए न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर आते रहे हैं, तो आज हम फिर यूपी बोर्ड 2020 में पूछे गए कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन को लेकर के आए हैं। निश्चित रूप से आप को इन क्वेश्चनों से लाभ होगा। तो इसमें पहला क्वेश्चन है कि एक छोटा छड़ चुंबक एक समान वाय चुंबकीय क्षेत्र 4.5 टेस्ला में रखा है तथा छड़ चुंबक का अक्ष क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। यदि इस पर 4.5 × 10²⁻² न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण लगता है तो छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा बताइए। तो यहाँ पर एक छड़ चुंबक है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री के एंगल पर रखा हुआ है और उस छड़ पर लगने वाले बल आघूर्ण का मान दिया गया है आपके सामने 4.5 × 10²⁻² न्यूटन मीटर, और आपसे पूछा गया है कि इस छड़ चुंबक की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो जो आपको दिया गया है tau = mb sin थीटा, और आपसे पूछा गया है स्थितिज ऊर्जा, और स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला आप जानते हैं u = mb1 - cos थीटा, ये होता है। तो यहाँ से हम निकालेंगे एम बी का मान क्या होता है, तो क्या हो जाएगा mb = tau/sin थीटा, और यहाँ से हो जाएगा हमारे सामने mb = tau का मान है 4.5 × 10²⁻², ये, और अपान sin थीटा का मान है 30 डिग्री। यहाँ से तो हमारे पास हो जाएगा यहाँ से mb = 4.5 × 10²⁻² upon 1/2, ये 2 उलट के ऊपर चला जाएगा, गुणा कर लेगा, तो यहाँ से हो जाएगा mb = 2 × 4.5 × 10²⁻². अब एम बी का मान हमारे पास मिल गया। अब इस एम बी का मान यहाँ पर u = mb1 - cos थीटा में रखते हैं, तो क्या हो जाएगा u = स्थितिज ऊर्जा एम बी का मान 2 × 4.5 × 10²⁻² × 1 - cos थीटा, 1 - cos 30, थीटा का मान वहाँ से है, तो क्या हो जाएगा u = 2 × 4.5 × 10²⁻² × 1 - cos 30 का मान √3/2। इसको आप हल करेंगे तो आएगा आपका 0.134, और यहाँ से अगर आप हल करें तो u = आ जाएगा लगभग 1.2 × 10²⁻² जूल, ये हमारा आंसर बन के आएगा। तो इसको आप हल करेंगे और इसका मान इतना आएगा। तो ये पहला क्वेश्चन रहा। इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन आइए देखते हैं। एक अनंत लंबाई के एक समान आवेशी सीधे तार का रेखीय आवेश घनत्व λ = 10 × 10²⁻¹ कूलाम प्रति मीटर है। तार से 2 सेमी की लंबवत दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो ये दूसरा सवाल है। यहाँ पर आपको लैम्डा दिया हुआ है, λ = 10 × 10²⁸ कूलाम पर मीटर, और इससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर, यानी r = 2 सेंटीमीटर, और इसको मीटर बदलेंगे 2 × 10²⁻²⁰ मीटर, इतनी दूरी पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये निकालना है। तो इस केस में आप e = जानते हैं 1/4π ε₀ × 2λ/r, और यहाँ से हो जाएगा e = इसका मान आप जानते हैं 9 × 10²⁹ × 2 × λ का मान 10 × 10²⁸ और अपान r का मान 2 × 10²⁻², ये 2-2 से कटेगा, और यहाँ से बच जाएगा हमारे पास e = 9 × 10²⁹ ×, ये 10 है यहाँ पर, तो जाएगा 10²⁻⁷,
और ये दो ऊपर जाके जुड़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ से, E इज इक्वल टू 9×10⁴ न्यूटन प्रति कूलम। ये हमारा आंसर हो गया दूसरे क्वेश्चन का। इसी तरह से आइए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 24 ओम प्रतिरोध वाले एक तार को एक समबाहु त्रिभुज के रूप में मोड़ा जाता है, किन्हीं दो शीर्षों के बीच समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक तार है जिसका संपूर्ण प्रतिरोध 24 ओम है और इस तार को मोड़ करके कुछ इस तरह से बना दिया गया है समबाहु त्रिभुज के रूप में, इस तरह से। तो अगर समबाहु त्रिभुज है तो इसकी तीनों भुजाएं बराबर होगी, और अगर तीनों भुजाएं बराबर हैं तो ये 24 ओम जो प्रतिरोध है वो तीनों भुजाओं में बराबर बराबर बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर कुछ इस तरह का हो जाएगा, पूरा प्रतिरोध तीन भाग में बढ़ गया, एक प्रतिरोध ये हो गया, दूसरा प्रतिरोध ये हो गया और तीसरा प्रतिरोध ये हो गया। अब आपसे पूछा गया कि किन्हीं दो शीर्षों के बीच समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, तो एक शीर्ष हम यहाँ मानते हैं और दूसरा शीर्ष यहाँ मानते हैं, इनके बीच समतुल्य प्रतिरोध हम निकालना चाह रहे हैं। अगर ये 24 ओम पूरा रेजिस्टेंस है तो ये तीन भागों में बटा, तो 8 ओम यहाँ हो जाएगा, 8 ओम यहाँ हो जाएगा और 8 ओम यहाँ हो जाएगा, इस तरह से। अब ये 8 ओम और ये 8 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं और इनके साथ ये समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो पहले श्रेणी क्रम में जुड़े हुए दोनों प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, क्या लिखेंगे, श्रेणी क्रम में जुड़े 8 ओम के दो प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, इसको R लिखें तो R बराबर 8 ओम और प्लस 8 ओम बराबर क्या हो गया, 16 ओम। अब ये 16 ओम और ये 8 ओम समांतर क्रम में जुड़े हुए हैं, तो क्या लिखेंगे, 16 ओम तथा 8 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं तो इनका समतुल्य प्रतिरोध R डैश इज इक्वल टू 16 ओम है गुड़े 8 ओम है बटा 16+8, इस तरह से निकालते हैं समांतर क्रम में होता है तो क्या हो जाएगा, 128/24 और इसको आप हल करेंगे आ जाएगा 8 से काटिए 16 बार में कटेगा या 3 बार में कटेगा, तो क्या हो गया 16/3 ओम और यही हो जाएगा पूरे का समतुल्य प्रतिरोध। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया। ये तीसरा क्वेश्चन रहा। चौथे क्वेश्चन में एक प्रत्यावर्ती परिपथ में R बराबर 100 ओम और XL बराबर 200 ओम तथा XC बराबर भी 200 ओम, XC बराबर भी 200 ओम श्रेणी क्रम में जुड़े हैं तो आरोपित वोल्टता एवं धारा के बीच कालांतर ज्ञात कीजिए। तो आप पहले तो ये जान लें कि यदि XL बराबर XC होता है जो कि इस सवाल में है, तो ऐसी स्थिति में धारा एवं वोल्टता में कालांतर शून्य होता है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, वोल्टता एवं धारा में कालांतर शून्य होगा। तो ये चौथा क्वेश्चन था। पांचवा क्वेश्चन है कि ध्रुवण कोण अल्फा तथा क्रांतिक कोण बीटा में संबंध बताइए। तो क्रांतिक कोण जिसको आप क्रिटिकल एंगल सी लिखते हैं तो सी बराबर क्या है, बीटा, और ध्रुवण कोण जिसको आप आई पी कहते हैं तो आई पी इक्वल टू क्या है, अल्फा। क्रांतिक कोण के लिए आप लिखते हैं साइन सी इक्वल टू 1/μ और ध्रुवण कोण के लिए लिखते हैं टेन आई पी इक्वल टू μ। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सी की जगह बीटा लिखेंगे तो साइन बीटा इक्वल टू 1/μ और यहाँ से लिखेंगे टेन अल्फा इक्वल टू म्यू और दोनों का क्या करिए, ये समीकरण एक ये समीकरण दो दोनों का क्या करिए, गुणा कर दीजिए, क्या हो जाएगा साइन बीटा इंटू टेन अल्फा इक्वल टू 1/μ इंटू म्यू, क्या हो गया यहाँ से साइन बीटा इंटू टेन अल्फा इक्वल टू 1। तो ये ध्रुवण कोण और क्रांतिक कोण में संबंध है, तो इस संबंध को आप देखेंगे। अगला जो सवाल आपका है कि एक ही वेग से गतिमान इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण में किसका डी ब्रोगली वेवलेंथ अधिकतम होगा। तो हम डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए फार्मूला जानते हैं, लैम्डा इक्वल टू होता है h/p और ये h प्लैंक कांस्टेंट है और p क्या है, संवेग है, यहाँ पर p संवेग है जिसको mv भी लिख सकते हैं आप। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू h/mv, चूँकि
सभी कण एक ही वेग से चल रहे हैं तो भी का मान सबके लिए बराबर होगा। ऐसी स्थिति में लैम्डा जो डिपेंड करेगा वो यम पर करेगा। तो यहाँ से एच कांस्टेंट है, भी कांस्टेंट है, तो लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m हो जाएगा, या कह लें लैम्डा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू m हो जाएगा। यानी जिस कण का द्रव्यमान कम होगा उसका तरंग दैर्ध्य ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अल्फा कण में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, तो क्या होगा, चूंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है अतः इलेक्ट्रॉन के लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ अधिकतम होगा। तो यहाँ पर लैम्डा इजकल टू एच अपान पी, देखें पी की जगह एम भी लिखेंगे, एच और भी कांस्टेंट होने कारण लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/m, यानी एम का मान कम होगा तो लैम्डा ज़्यादा होगा, एम का मान अधिक होगा तो लैम्डा कम होगा। तो इन सब कणों में इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान सबसे कम है, इसलिए इसके लिए डी ब्रोगली वेवलेंथ अधिकतम होगा। तो ये हमारा सवाल रहा। सातवां सवाल है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव के प्रयोग में प्रकाश की आवृत्ति तथा निरोधी विभव भी के बीच खींचे गए ग्राफ की प्रवणता या ढाल बताइए। तो जब हम आवृत्ति म्यू तथा स्टॉपिंग पोटेंशियल भी में ग्राफ खींचते हैं तो इस ग्राफ की प्रवणता एच बाई ई होती है। तो यहाँ पर आंसर जो हमारा होगा वो होगा कि आवृत्ति और निरोधी विभव के बीच खींचा गया जो ग्राफ होगा उसकी प्रवणता एच बाई ई के बराबर होगी। तो इसको आपको याद कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आठवां, तरंग दैर्ध्य लैम्डा इक्वल टू 5×10⁻⁷ मीटर के फोटॉन की ऊर्जा का मान इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको तरंग दैर्ध्य दिया हुआ है, इस तरंग दैर्ध्य के संगत जो फोटॉन की ऊर्जा होगी उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालना है। तो तरंग दैर्ध्य आपके सामने लैम्डा इक्वल टू है 5×10⁻⁷, और इस लैम्डा के लिए एनर्जी फोटॉन की क्या हो जाएगी, इक्वल टू λ, और यहाँ से h का मान 6.6×10⁻¹⁴ होता है और c का मान 3×10⁸ होता है आप जानते हैं, और लैम्डा का मान आपको दिया है 5×10⁻⁷। तो यहाँ से हमारे सामने होगा 5×1 = 5, 5×3 = 15 और 5×2 = 10, 1.32। तो 1.32×10⁻¹⁴ × 3×10⁸ और ये 7 यहाँ जाकर के जुड़ जाएगा, हो जाएगा 50। तो यहाँ से क्या बन गया है हमारे सामने 1.32×3×10⁻¹⁹, ये जूल में आएगा और इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। तो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए 1.6×10⁻¹⁹ से भाग देंगे, क्या हो जाएगा 1.32×3×10⁻¹⁹ अपान 1.6×10⁻¹⁹। तो ये यहाँ से कटेगा और ये हो गया हमारे सामने 3×2 = 6, 3×3 = 9 और 3×1 = 3 अपान 1.6, और ये लगभग आ जाएगा 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये आंसर हो गया आपका। तो ये हमारा आठवां क्वेश्चन था। नवा क्वेश्चन है कि एक उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस की क्षमता क्रमशः 10 डायोप्टर तथा 2 डायोप्टर है। संपर्क में रखे दोनों लेंसों से 25 सेंटीमीटर दूर रखे वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए और युग्म लेंस की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर उत्तल लेंस की क्षमता P1 = 10D और अवतल लेंस की क्षमता P2 = 2D, लेकिन ये अवतल लेंस है तो इसकी क्षमता माइनस में होगी। तो परिणामी क्षमता इसको P लिखे तो क्या लिखेंगे, P = P1 + P2, और यहाँ से P = आ जाएगा 10D - 2D = 8D, P = आ गया। और परिणामी फोकस दूरी F = क्या हो जाएगा 1/P, और चूंकि ये मीटर में आएगा तो 1/8 मीटर में, या अगर सेंटीमीटर में करें तो क्या हो जाएगा 100/8 या 12.5 सेंटीमीटर। तो ये 12.5 सेंटीमीटर एफ हो गया और एफ का मान पॉजिटिव है तो ये कौन सा लेंस हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। यानी परिणामी जो फोकस दूरी आएगी वो पॉजिटिव है, और पॉजिटिव फोकस दूरी का मतलब युग्म लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस हो जाएगा। अब उत्तल लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु रखिए, तो थोड़ा 25 सेंटीमीटर क्या लिख सकते हैं, 25 = 2×12.5,
और 12.5 क्या है, फोकस दूरी है, क्या हो जाएगा 25/2f, यानी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु हो या कह लें 2f दूरी पर रखी वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब हमेशा 2f पर ही बनता है। यानी क्या लिखेंगे कि 2f पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब 2f पर ही बनता है। तो युग्म लेंस की फोकस दूरी f है और उसके सामने 25 सेंटीमीटर या 2f दूरी पर वस्तु रखी है तो उसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा, या कह लें 2 × 12.5 यानी 25 सेंटीमीटर पर बनेगा। तो ये आपका आंसर हो गया कि यदि वस्तु 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है तो उसका प्रतिबिंब भी 25 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो ये हमारा 9वां सवाल रहा। तो इस तरह से हमने आज यूपी बोर्ड 2020 में पूछे गए 9 क्वेश्चन को दिया आपको। उम्मीद करते हैं कि इन प्रश्नों से आप निश्चित रूप से लाभ उठाएंगे। इसी तरह के और भी यूपी बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन को लेकर के आएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ लगातार लगे रहेंगे और यदि हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारा हर वीडियो क्लिप आप तक पहुंचता रहे। आपके भविष्य के लिए बेस्ट ऑफ लक। फिर न्यूमेरिकल क्वेश्चन के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।